हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का सोशल साइंस। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि 1 से 48 तक का नंबर लिख लेना है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो है आपको 48 तक लिख लेना है। और यह प्रैक्टिस सेट है सोशल साइंस का। अब जैसे आपका 1 का ए आंसर सही लगता है तो ए लिख दीजिए, 2 का बी सही है तो बी लिखिए, 3 का सी है तो सी लिखिए। इस तरह से जो है अपना लिखते जाइएगा। आपके पास क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दोनों चीज़ है। वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर देंगे और उससे आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की है, इसलिए आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? आपका ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। दूसरा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन है चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपका ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। पांचवा प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। छठा प्रश्न, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपका ऑप्शन है जूट, तांबा, सीमेंट, एल्यूमिनियम। सातवां प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगाववाद, विधि का शासन। आठवां प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? आपका ऑप्शन है हिंदी, तमिल, सिंगली, फ्रेंच। नौवां प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें सभी को। दसवां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? आपका ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। 12 नंबर का प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। 13 नंबर का प्रश्न, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, इटली में। 14 नंबर का प्रश्न, अल हिलाल का संपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद कैफ। 15 नंबर का प्रश्न, रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, गागरिन, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम। 16 नंबर का प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है सेडॉन, सेडेवा, साइडन, फ्रैंकफर्ट। 17 नंबर का प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एजेंस। 18 नंबर का प्रश्न,
वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। 19 नंबर का प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। 20वां प्रश्न, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आपका ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। 21 नंबर का प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 22 नंबर का प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। 23 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आपका ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। 24 नंबर का प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? आपका ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। 25 नंबर का प्रश्न, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, चाय। 26 नंबर का प्रश्न, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, यानी संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 27 नंबर का प्रश्न, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 8, 16, 12, 14। 28 नंबर का प्रश्न, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर, दिल्ली एवं आगरा। 29 नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका ऑप्शन है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। 30 नंबर का प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपका ऑप्शन है बिहार की मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। 31 नंबर का प्रश्न, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी जो चार ऑप्शन दिया गया है इसका क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी इसमें से कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। 32 नंबर का प्रश्न, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? आपका ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपका ऑप्शन है सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। 34 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 35 नंबर का प्रश्न, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? आपका ऑप्शन है मजबूत, ढीली, अति मजबूत,
कठोर। 37 नंबर का प्रश्न, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? आपका ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर का प्रश्न, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। 40 नंबर का प्रश्न, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। 41 नंबर का प्रश्न, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? आपका ऑप्शन है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये, 54,850 रुपये। 41 नंबर का प्रश्न, 42 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है यह कथन है, यानी यह किसका कहना है? आपका ऑप्शन है मार्शल का, केमोरेन का, ट्रेस्कॉट का, फ्राउथर का। 43 नंबर का प्रश्न, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे। 44 नंबर का प्रश्न है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। 45 नंबर का प्रश्न है, ISI चिन्ह अंकित है, यानी ISI चिन्ह कितने उत्पादों पर अंकित है? आपका ऑप्शन है 1500 उत्पादों पर, 1550 उत्पादों पर, 1400 उत्पादों पर, 1600 उत्पादों पर। 46 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? आपका ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर का प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आपका ऑप्शन है पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गंगा, संचार टावरों की दूरी, कोसी, पुनपुन। दोस्तों यह था आपका 1 से 48 नंबर तक का प्रश्न। अब आप लोग आंसर मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है। तैयार हो जाइए। एक का ए, दो का ए, तीन का डी, चार का ए, पाँच का बी, छः का डी, सात का सी, आठ का सी, नौ का सी, 10 का सी, 11 का ए, 12 का ए, 13 का बी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का ए, 19 का ए, 20 का बी, 21 का बी, 22 का डी, 23 का ए, 24 का डी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का बी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का बी,
31 का सी, 32 का बी, 33 का डी, 34 का सी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का ए, 40 का ए, 41 का बी, 42 का ए, 43 का ए, 44 का ए, 45 का ए, 46 का डी, 47 का डी, 48 का सी। दोस्तों, आप कितना नंबर ले रहे हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि जो भी वीडियो मैं दूं आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।